दोस्तों आज फिर से गारंटी के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा न्यू बिजनेस आइडिया जो आपने जिंदगी में देखा नहीं होगा, ना ही आपको कोई इसके बारे में बताएगा। तो अगर आपको न्यू बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, अगर आपको ऐसा बिजनेस करना है जो आप घर से शुरू कर सको, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में, तो आज जो आप वीडियो देख रहे हो वो सही वीडियो देख रहे हो, जिससे कि आप इस छोटे से सेटअप से दिन का 5,000 का मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए ना ही आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ना ही आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना ही आपको कोई जगह लेने की जरूरत है। घर के छोटे से टेबल पर ये मशीन रखकर, ये रॉ मटेरियल रखकर आप प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हो, और ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो कि मार्केट में 100% बिकता है। तो क्या है बिजनेस, कैसे शुरू करना है, सारी जानकारी हम लोग सर से लेने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया बेहतरीन बिजनेस आइडिया जिसको आप घर बैठे आराम से स्टार्ट कर आराम से प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। इस मशीन से दोस्तों जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो आप बहुत ही आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही आसानी से वो मार्केट में बिकता भी है। तो दोस्तों 14,400 रुपए के इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम कम से कम दिन का 5,000 रुपए का मुनाफा आराम से कमा सकते हैं। और सर इसके लिए आपको कोई अलग मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसके लिए ना इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, ना आपको एक्स्ट्रा मैन पावर की आवश्यकता है। आप में आपके घर में ही जो महिलाएं हैं या जो बच्चे भी हैं, वो बच्चे भी इस प्रोडक्ट को आराम से अपनी हाथ से बना सकते हैं और मार्केट में इजीली बेच सकते हैं। इस मशीन की मदद से जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है और डेली बेसिस पे यूज होने वाला प्रोडक्ट। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिसमें सर हमें बताएंगे ये न्यू बिजनेस आइडिया जो आपने कभी नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आप देखने वाले हो, जिसमें सर इस छोटी सी मशीन से प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो भी दिखाएंगे, प्रॉफिट कितना होगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, और जो लास्ट में एलिमेंट सर ने बोला सरप्राइज एलिमेंट वो क्या रहेगा, वो सर हमें आखिर में बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना जिससे कि आपसे कोई भी पॉइंट इस छोटे बिजनेस के बारे में, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किस किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लगेगी ये कटिंग मशीन, उसके बाद में आपको लगेगी ये लॉकिंग पिंस, आप देख सकते हैं, जो कि ये प्लास्टिक की होती है। उसके बाद आपको लगेगा ये रबर का शीट। ये जो रबर की शीट है ये आपको काफ़ी सारी अलग अलग क्वालिटी में मिल जाएंगी और अलग अलग कलर्स में, मल्टी कलर में आपको ये मिल जाएगा। अभी हम ब्लैक वाली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस रबर शीट को इस मशीन से कट करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको ऐसे डाल देना है, ये मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ ही है, और फिर इसको सिर्फ प्रेस करना है। प्रेस करने पे आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। ऐसे आपको जितने नंबर ऑफ पीसेस प्रोडक्ट बनाने हैं वो आप कट करके रख सकते हैं। हम इसे जब रखेंगे रबर को, तो आप देख सकते हैं यहाँ वाइट कलर का एक मेजरमेंट दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपके जो ये प्रोडक्ट है वो एक ही साइज के बनके तैयार होंगे। इसे सिर्फ प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको रेडी करने हैं आप इसको कट इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है अलग अलग कलर्स में आता है, तो अभी मैं आपको ये मल्टी कलर का रॉ मटेरियल दिखा रही हूँ। ये वाली शीट भी अलग से आती है, इसको भी आप इस मशीन से कट कर सकते हो। जितने नंबर ऑफ पीसेस आपको प्रोडक्ट बनाने हैं उतने नंबर ऑफ पीसेस आपको कट करने हैं। तो आप ये देख सकते हो कि मल्टी कलर का ये शीट है, तो इससे हमारा प्रोडक्ट और अट्रैक्टिव दिखता है। ऐसे बहुत अलग अलग कलर्स में आपको शीट मिल जाएगी, हमसे मिलेगी। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो हमारी हो चुकी है। ये जो स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग और नाप के साथ में रेडी हुए हैं और सेम साइज के निकल चुके हैं मशीन की मदद से। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको लगेगी ये क्लिप, इसके अंदर ये अटैच आएंगे लॉक्स, आपको इन लॉक्स को अलग करना है इस तरीके से। इस तरीके से हमारे सारे लॉक्स सेपरेट हो जाएंगे। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सेकंड स्टेप है वो है ये क्लिप, ये भी आपको अलग अलग कलर में अवेलेबल होगी। जो रबर के स्ट्रिप्स अभी हमने कट किए हैं, अब उसको हम इस क्लिप के अंदर डालेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको कॉर्नर से लेके जाना है और फिट करना है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा ये रबर का स्ट्रिप जो है वो इस क्लिप के अंदर लग चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लॉकिंग का, जिससे हमारा जो रबर है वो निकल ना जाए, हम ये जो लॉकिंग पिन है इसको इस क्लिप के अंदर फिट करेंगे। आप इसको हाथ से फिट कर सकते हैं, कट करके आपको आवाज़ आ रही होगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लॉक हो चुका है।
ये आप हाथ से भी कर सकते हो, हमने दिखा है ये 3 लॉक आपको करके। यही सेम चीज आप जो है मशीन की मदद से भी कर सकते हो, वो इसलिए कि अगर आपका दिन का प्रोडक्शन अगर 1,500-2,000 का होता है तो हाथ से प्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इसी चीज़ को आप मशीन से प्रेस करके भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये तैयार हो चुका है, देखिए आप। अब हम इसे फाइनल टच देंगे। रॉ मटेरियल में हम आपको पैकेज के अंदर ये पैकिंग मटेरियल भी देंगे, आपको वाइपर को इसमें पैक कर देना है और दुकानदार को दे देना है, स्टिक अलग से दे देनी है ताकि कस्टमर को जिस टाइप की स्टिक चाहिए और अलग से वाइपर दे सके। अब ये जो हमारा वाइपर है जो क्लीनिंग में अलग अलग जगह यूज होता है, घर में बाहर अलग अलग जगहों पे, वो एकदम मार्केट में सेल होने के लिए तैयार हो गया है। इसी सेटअप से आप अलग अलग टाइप के वाइपर्स बना सकते हो, छोटे हो बड़े हो, किचन में यूज होता है, बाथरूम में यूज होता है या कोई कमर्शियल जगह पे बड़ा वाला यूज होता है, वो सारे अलग टाइप के वाइपर आप इसी सेटअप से बना सकते हो। बट मेन बात आती है सर, मार्केट में जब लोग सेल करते हैं तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मतलब लागत कितनी आती है, और मार्केट में जब लोग इसे सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा वो जरा समझा दीजिए। एक जो वाइपर है उसको बनाने का खर्चा 24 रुपये आता है, और उसको आप दुकानदार हो गया, होलसेलर हो गया, फेरी वाला हो गया, और स्पेशली जो क्लीनिंग के आइटम्स बेचते हैं उन दुकानदारों को आप 40 से 45 रुपये तक में आराम से सेल कर सकते हैं। मतलब कि एक वाइपर पे आपको जो है 20 रुपये तक का प्रॉफिट आराम से मिल जाता है। सर जैसे कि इस सेटअप की मदद से आप एक दिन में 8 घंटा काम करके 500 वाइपर आराम से रेडी कर सकते हैं। आप एक वाइपर पे कम से कम मार्जिन में अगर 10 रुपये गिन के चलो, अगर आप 10 रुपये मार्जिन रख के भी आप 500 सेल करते हैं तो 5,000 दिन का आप आराम से कमा सकते हैं। तो सर जैसे कि आपकी टीम ने बताया था कि एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए, वो जरा समझा दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बिकते हैं वहाँ पे आप वाइपर बेचोगे, अब जहाँ पे आप वाइपर बेचने जाएंगे वहाँ पे ये मॉप भी सेल होगा, राइट? आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉप का रॉ मटेरियल अलग से लेना है, मिनिमम जो क्वांटिटी हो 100 मॉप, जो कि आपका 2900 रुपये में आ जाएगा। उसमें क्या क्या आ जाएगा, धागा, कप लॉक, स्टिक और पैकिंग मटेरियल सब मिला के सिर्फ 2900 रुपये में आपका मॉप का भी साथ में बिजनेस खुल जाएगा। अच्छा, मॉप बिजनेस में उसमें शुरू कर देंगे। और फिर वो मॉप आपको वहीं बेचने जहां आप पाइपर बेच रहे हो, राइट? तो सर अभी मेन बात आती है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी वो जरा अच्छे से क्लियर कर दीजिए। ये वाइपर बिजनेस शुरू करना है या फिर मॉप बिजनेस शुरू करना है अलग से, या फिर दोनों बिजनेस एक साथ शुरू करना है जो आपने बताया, तो वो कैसे कर सकते हैं वो जरा इन्वेस्टमेंट का क्लियर कर दीजिए। वाइपर का आप स्टार्ट करते हैं तो आपका मिनिमम जाएगा 14,400 रुपये, जिसमें आपको 12,000 रुपये की एक मशीन आ जाएगी और 2400 रुपए का वाइपर का मटेरियल आ जाएगा। 100 वाइपर का एक का आपको पड़ेगा 2400 रुपए। और आप मॉप का स्टार्ट करते हो तो इसका मिनिमम जो है वो है 9,400, 6,500 की उसमें मशीन आ गई और 2900 रुपए का रॉ मटेरियल आ गया 100 मॉप का। तो दोस्तों अगर आपको ये वाइपर बनाने का बिजनेस या फिर मॉप बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप कॉल कर भी ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच।